फ्रेंड्स, आपको मैं बताने जा रहा हूँ पित्त की थैली में जमी पथरी को खत्म करते हैं ये उपाय। तो स्वागत है फ्रेंड्स हमारे इस चैनल लोटस आयुर्वेदा इंडिया में। आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, ताकि स्वास्थ्य से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको लगातार मिलती रहे। पित्त में पथरी कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट नामक दो तरह की बनती है, लेकिन लगभग 80% पथरी कोलेस्ट्रॉल से ही बनती है। पित्त लीवर में बनता है और इसका भंडारण गॉल ब्लैडर में होता है। यह पित्त फैट युक्त भोजन को पचाने में मदद करता है, लेकिन जब पित्त में कोलेस्ट्रॉल और बिलरुबिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है तो पथरी का निर्माण होता है। पित्त की पथरी को घरेलू उपचार के माध्यम से ठीक किया जा सकता है। आइए जानते हैं इन उपचारों के बारे में। पहला, सेब का रस और सेब साइडर सिरका। बेशक सेब डॉक्टर को दूर रखने में मदद करता है, इसलिए एक गिलास सेब के रस में सेब साइडर सिरका का एक बड़ा चम्मच मिलाकर नियमित रूप से एक बार सेवन करना चाहिए। सेब में मेलिक एसिड होता है जो पित्त पथरी नरमी में सहायता करता है, और सिरका पत्थर के कारण कोलेस्ट्रॉल बनने से लीवर को रुकता है। यह एक पित्त की पथरी के हमले के दौरान दर्द को कम करने का एक त्वरित उपाय है। दूसरा, नाशपाती। नाशपाती पित्त की पथरी के लिए बहुत फायदेमंद होती है। अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार लगभग 80% पित्त में पथरी कोलेस्ट्रॉल के बनने से होती है। नाशपाती में पेक्टिन होता है। इन पत्थरों को आसानी से फ्लश आउट के लिए कोलेस्ट्रॉल से भरे पित्त पथरी को बांधता है। तीसरा, चुकंदर, खीरा और गाजर का रस। पित्ताशय की थैली को साफ और मजबूत करने और लीवर की सफाई के लिए चुकंदर का रस, ककड़ी का रस और गाजर के रस को बराबर मात्रा में मिलाएं। यह संयोजन आपको पेट और खून की सफाई में भी मदद करता है। खीरे में मौजूद उच्च पानी सामग्री और गाजर में विटामिन सी की उच्च मात्रा मूत्राशय से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालती है। चौथा है, सिंहपर्णी। सिंहपर्णी के पत्ते लीवर का समर्थन, मूत्राशय के काम काज में सहायता, पित्त उत्सर्जन को बढ़ावा और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक कप पानी में एक बड़ा चम्मच सिंहपर्णी के पत्तों को मिलाएं, फिर इसे अवशोषित करने के लिए 5 मिनट के लिए रख दें। अब इसमें एक चम्मच शहद मिलाएं। मधुमेह रोगियों को इस उपचार से बचना चाहिए। पांचवा है, पुदीना। पुदीने में टेरपेन नामक प्राकृतिक तत्व होता है जो पित्त से पथरी को घुलाने के लिए जाना जाता है। यह पित्त प्रवाह और अन्य पाचक रस को उत्तेजित करता है, इसलिए यह पाचन में भी सहायक होता है। पित्त की पथरी के लिए घरेलू उपाय के रूप में पुदीने की चाय का इस्तेमाल करें। छठवां है, इसबगोल। एक उच्च फाइबर आहार पित्ताशय की थैली की पथरी के इलाज के लिए बहुत आवश्यक है। इसबगोल घुलनशील फाइबर का अच्छा स्रोत होने के कारण पित्त में कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और पित्त के गठन को रोकने में मदद करता है। आप इसे अपने अन्य फाइबर युक्त भोजन के साथ या रात को बिस्तर पर जाने से पहले एक गिलास पानी के साथ ले सकते हैं। सातवां है, नींबू का रस। नींबू का रस प्राकृतिक रूप से अम्लीय होने के कारण यह सिरके की तरह कार्य करता है और लीवर में कोलेस्ट्रॉल को बनने से रोकता है। हर रोज खाली पेट 4 नींबू का रस लें। इस प्रक्रिया को 1 हफ्ते तक अपनाएं। इससे पथरी की समस्या आसानी से दूर हो सकती है। आठवां है, लाल शिमला मिर्च। 2013 में हुए एक अध्ययन के अनुसार शरीर में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पथरी की समस्या को कम करता है। एक लाल शिमला मिर्च में लगभग 95 मिलीग्राम विटामिन सी होता है। यह मात्रा पथरी को रोकने के लिए काफी होती है, इसलिए अपने आहार में शिमला मिर्च को शामिल करें। नौवां है, वाइन। शोधकर्ताओं ने पाया कि आधा गिलास वाइन पित्त की पथरी के हमले को लगभग 40% तक कम कर सकता है, इसलिए वाइन के एक गिलास को अपनी दिनचर्या में शामिल करें, इससे ज्यादा नहीं। तो ये थे फ्रेंड्स पित्त की थैली में जमी पथरी को खत्म करते हैं ये उपाय। ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना भी ना भूलें, ताकि इसी तरह की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। अगर आपको स्वास्थ्य से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट बॉक्स के द्वारा पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।